आज पुदीना प्याज बेचे राजधानी में और मरे हैं डूब कर लाखों बंद बोतल के पानी में। स्पीकर्स, मुझे पता है आज का टॉपिक अजीब है, आप भी थंबनेल देख के सोच रहे हो कि ये क्या टॉपिक लेके आया है शीर्षक स्पीकर्स, लेकिन ये टॉपिक उतना ही ज़रूरी है डिस्कस करना जितना हम अपने आसपास देख रहे हैं कि माहौल क्या बन रहा है। या मैं इस तरह से आपको कहूँ कि एक आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो या कुछ भी कह लो आप, तो मैंने समझा कि इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो होना चाहिए। और मेरे कुछ फ्रेंड्स बने वहाँ विपाशना सेंटर में, आपने अगर नहीं देखे हैं तो मेरे कुछ वीडियोस हैं विपाशना मेडिटेशन कोर्स के लिए, जब मैं गया था चूरू राजस्थान तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, उनके साथ भी ये टॉपिक मेरा डिस्कस हुआ। वो इस चीज़ को, क्योंकि वो लोग कुछ उसमें से ऐसे थे जो टीचर थे, कुछ ऐसे थे जो एक्स पुलिसमैन थे, एक सर्विसमैन थे, तो उनसे डिस्कस करके, और मतलब दे आर ओल्डीज़ और कुछ यंग गाइज़ भी थे, उसमें से कुछ से जो जो मेरी बातचीत हुई मैंने रिकॉर्ड करी है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने के बाद मैंने रिसर्च किया कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दीज ड्रग्स लाइक अल्कोहल, स्मोक्स, कैनबीज, इसका क्या फ्यूचर है। तो आजकल आपको पता है सबको फेमस है भाई चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी पे हमने देख लिया, आपको स्क्रीन पे शेयर भी कर रहा हूँ कि चैट जीपीटी का क्या सोचना है कि फ्यूचर क्या है इन प्रोडक्ट्स का। और आई वॉज एस्टॉनिश्ड एक्चुअली कि किस तरह से, आपको ये तो पता है चैट जीपीटी का क्या मॉडल है, तो वर्ल्ड किस तरह से सोच रहा है इसके ऊपर, और वही उन्हीं कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमारा डिस्कशन भी हुआ। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको अगर ये मालूम नहीं है तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यू शायद 50 साल पहले, 70 साल पहले या 100 साल पहले, इनफैक्ट डॉक्टर रिकमेंडेशन देते थे, हाँ जी डॉक्टर रिकमेंडेशन देते थे कि आपको, आपके लिए स्मोकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग, जैसे आजकल एनर्जी ड्रिंक की ऐड आती है ना कि किक स्टार्ट दे देती है, रेडबुल की ऐड आती है इट गिव यू फ्लाइज, तो इसी तरह से पहले स्मोक की ऐड आती थी कि भाई आपको, उस टाइम प्रिंट मीडिया था तो टीवी में तो ऐड आती नहीं थी, आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो में दिखा दूँ उस तरह के पुराने पोस्टर्स जिसमें ये स्पेशली ये होता था कि भाई ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है, अब स्पेशली स्मोक्स के ऊपर लिखा हुआ भी आता है, इनफैक्ट कई कंट्रीज़ ने तो ब्रांड प्रमोशन बैन ही कर दिया है। जैसे हम इंडिया में उसको प्रमोट तो नहीं कर सकते, बट हम उस पर अभी भी ब्रांडिंग करते हैं पैकेट के ऊपर, उस पर लिखा तो होता है इंजूरियस टू हेल्थ, बट उस पर हम ब्रांडिंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कई कंट्रीज़ में तो वो ब्रांडिंग भी नहीं होती, जस्ट उनकी कंपनी का सिर्फ एक नाम लिखा होता। तो अब आपको जो मैं शेयर करने वाला हूँ ना कि हमारा गाँव का देसी बंदा क्या सोचता है कि भाई इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और ये बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आज तक क्यों गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पाए, आओ ये डिस्कशन को सुनते हैं, क्योंकि आने वाला समय कैसे चेंज हो रहा है। और एक्चुअल में अगर आप भी इससे इन्फ्लुएंस हो प्रोडक्ट से, या आपको लगता है कि आपका कोई नियर एंड डियर इन्फ्लुएंस्ड है इन प्रोडक्ट से, तो उनको आप ये चीज़ शेयर कर सकते हो। और कुछ नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो एक स्टेप फॉरवर्ड हो कि हाँ भाई भाई समाज के अंदर ये चीज़ एक्चुअल में अच्छी नहीं है। देखो बहुत सारी जनरेशन से वैसे तो कहा जा रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट ये कितना बुरा इफ़ेक्ट डाल सकती है मैं खुद भुगत भोगी हूँ, इसलिए ये वीडियो आज बनाना मेरा एक तरह से मैंने समझा कि मेरे को बनाना ही चाहिए, इसलिए मैं बना भी रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज लाना है तो वो आप ही को लाना है और खुद ही लाना पड़ेगा। वीडियो को शुरू करते हैं, इनको सुनते हैं, इन महानुभावों का क्या कहना है, और अगर हम भी उनमें से एक हैं तो करेक्टिव एक्शन देते हैं। चलिए वीडियो पूरा करते हैं। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर आप नाम और किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। फिर वो नाम अशोक कुमार, जिला रेवाड़ी, स्टेट हरियाणा होगी, स्टेट हरियाणा। तो आज हमारी जो चर्चा चलने वाली है, ये चर्चा चलने वाली है नशा मुक्त भारत पर। हाँ जी, उस पर आपके क्या विचार है? मेरा ये विचार है जो नशा मुक्त भारत के लिए, जो ये नशा चल रहा है आज के युग में, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत भारी खतरनाक है। ये नशा जो है ये समाज को, युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक वाली बातें हैं। इससे घर बर्बाद होता है, इससे आबाद नहीं होता। ज़्यादातर लोग जिस घर में शराब का सेवन होता है या कोई भी नशा होता है, उनकी घरों में हालत बहुत ख़राब होती है, बड़ी नींद। जो बेच रहे हैं इसको, उनका तो घर आबाद हो रहा है,
जो बेच रहे हैं उनकी तो ये लालन और पालन के अपने हिसाब से अपनी रोजी रोटी के लिए कमा कमा के कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में आज के समाज में कोई ध्यान नहीं देने वाला। तो एक बात बताइए, अगर ये ऐसा नशा इतना गलत है तो सरकारें क्यों नहीं बैन करती? सरकार इसलिए बैन नहीं करती, मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इसके कई बोलते हैं कि करोड़ों रुपए हमारे पास इसका राजस्व आता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रोकने वाला? उनको ये नहीं पता है कि समाज में कितना नुकसान हो रहा है। घर घर में आप कहीं भी देखो, कोई शराबी मिलेगा उसके घर जाकर पता करो, उसके परिवार वाले इतने दुखी मिलेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन सरकार को उससे कोई मतलब नहीं होती। तो कोई भी सरकार आए, हम सरकार की वो नहीं करते। अगर कोई आदमी लिमिट में ले रहा है या शादी पार्टी में ले रहा है या एक उसको जश्न के तौर पे उसको एक प्याले को पीना चाहता है, लत तो देखिए अगर कोई अगर पानी भी ज़्यादा पी लेगा वो भी नुकसान करेगी। तो ऐसा क्यों आपने कहा कि भाई ये शराब जो है ये ख़राब है, ऐसी चाय भी खराब है? चाय की तो मजबूरी है, चाय तो जरूर से ज्यादा पी लोगे वो भी खराब करेगा। चाय जरूर से ज्यादा कोई पिएगा नहीं, पिएगा भी तो उसको कोई इतना नुकसान नहीं करेगा जितनी ये करती। गुरु जी एक मिनट बात सुनो, ये ज्यादा नुकसान करती चाय की। आप ठीक हो जाओगे उससे, आपके जो समाज में जो आपके परिवार में उनको कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे वो 6 कटोरी चाय पी ले, लेकिन वो दूसरे को नुकसान नहीं करेगा। और मैंने अगर 6 बोतल शराब पी ली शाम को तो पूरे परिवार को, पूरे घर को, पूरे बर्बाद, पूरे शहर को, गांव को सोने नहीं देगा वो, लेकिन उसके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन एक प्रश्न बनता है जी। हाँ। कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको बैन किया था। हाँ। और हरियाणा गवर्नमेंट को ना वो बैन विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि सरकार गिरा दी पब्लिक ने। पब्लिक यदि इस प्रकार से चाहती है तो उसको सरकार रोके भी कैसे? सिर्फ राजस्व की बात नहीं है। मुख्यमंत्री बंसीलाल थे, मुख्यमंत्री बंसीलाल थे जिन्होंने बंद किया था, और हरियाणा के लोग राजस्थान आकर के पी करके फिर वापस चले जाते थे। ये मैंने आर्टिकल देखा है, पढ़ा है। ढाई साल के बाद सरकार गिरी, ऐसे ही बिहार में अभी बंद चल रहा है। सरकार का राजस्व मिले न मिले बंद जरूर है, लेकिन कुछ भी बंद नहीं है, सब कुछ ब्लैक से अवेलेबल है। यदि पब्लिक का डिमांड इस प्रकार, और गुजरात इतने सालों से बंद है, मैं गुजरात में रह के आया हूँ क्योंकि हमें दारू नहीं मिलता और वहाँ भी घर घर में सब कुछ पहुँच जाता है, सिर्फ फोन करिए। तो पब्लिक का जब इतनी बड़ी डिमांड है और पूरे विश्व में है, तो शराब को कितना कहाँ तक दोष दें? शराब का दोष नहीं है समाज, अगर सरकार नहीं रोक पा रही है, सरकार को राजस्व मिल रहा है, हम अपने आप तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सरकार सुझाव भी देती है, कहती भी है, बोतल पर भी लिखा हुआ है कि शराब हानिकारक है, सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी हम ले रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा? तो ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि भाई इसको सरकार रोके। जो मेरा जो इंटरेस्ट था ये कहना कि भाई सरकार इसको क्यों रोके, तो आप इस बात पे तर्क करते हो कि भाई ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, आदमी को खुद जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हाँ, जिम्मेवारी हम सहमत तो खुद भी लेनी चाहिए, लेकिन अपना कंट्रोल नहीं है कि ज़्यादा। हाँ हाँ, कुछ गाँव में ऐसे लोग होते हैं जो ठेका खोलने नहीं देते। इतने स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं कि वहाँ उस गांव में कहते हैं ठेका खुल गया तो ठेके में आग लगा देंगे। हाँ। तो वहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा क्योंकि उनकी गांव वालों की जो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अदरवाइज लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले इतना सख्ती रखते हैं, इतने लोगों को अरेस्ट करते हैं, बड़े बड़े लोगों को अभी उन्होंने फिल्म मुंबई से अरेस्ट किया था, उसके बावजूद भी नारकोटिक्स जैसी चीज भी कहीं बंद नहीं पड़ती है। कहीं न कहीं इंसान को, हम अपने को, हम लोगों को अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उसी के लिए ये विपसना है हमारे लिए। जहाँ आज हम बैठे हैं, देखिए आज हमारे साथ सीकर्स, आज हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं, ये हमारे साथ राजस्थानी साथी हमारे साथ हैं, आपने जो हमारे पहले नोएडा से साथी हैं जो कि मूलतः बिहार से हैं, तो उन्होंने भी आपसे चर्चा करी इस बारे में। हमारे साथ हरियाणा के भी साथी जुड़े हुए हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। अब बात करते हैं हम राजस्थान वाले अपने साथी ज्वाला प्रसाद ज्वाला प्रसाद जी से।
इनका क्या कहना है नशा मुक्ति के? जब तक हमारे यहाँ विपश्यना जैसी शिक्षा, ये शिक्षाएं हमारे को अंदर से सुधारती हैं, और जो ये बाहर का ज्ञान मिला है जो बिगड़ने का, हमारे बच्चों को बिगाड़ना या इसकी बड़ी तरफ पूरा समाज ही जा रहा है, जिसके माता पिता पिता पी रहा है, चाचा पी रहा है, तो उनको तो अब आज कोई, पहले तो क्या था, डर लगता था इन, अब कोई भय तो है नहीं, और अब आम जन इसको पीछे पड़ गया। तो इसको सुधार है तो सिर्फ यही है कि विपश्यना जैसा शिक्षा मिले उनको, और इससे नफरत अपने आप हो भाई, जब अंदर डिमांड ही नहीं होगी फिर पियेंगे, पियेंगा क्यों? आपका कहना है साक्षात्कार जो है वही इलाज है इसका, बस शिक्षा अंदर, चाहे भाई विपश्यना हो या और कोई दूसरी और हो, भाई हो चाहे कोई, शिक्षा से बड़ा, ज्ञान से बड़ा और कोई उपाय नहीं। तो जब ज्ञान होगा चाहे ठेका सामने हो भाई, पिएगा ही नहीं, चाहे रात और दिन पड़ी रहो, और जब तक आप खुद नहीं सुधरेगा तो तब तक कुछ नहीं। हमारे साथ योगेश जी हैं साथी। योगेश जी, आप कहाँ से हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं सर योगेश कुमार नाम है मेरा, और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूँ जी, और पेशे से मैं टीचर हूँ, वाजिबा एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान में। तो मेरा ये अनुभव है कि शराब का नशा ही नहीं, कई नशे और भी मतलब समाज में फैल रहे हैं, जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जुए की लत लग जाती है, किसी को ड्रग्स की लत लग जाती है। अभी ताज़ा ही 15 दिन पहले ही हमारे गांव के पास में एक नौजवान लड़का, बहुत ही अच्छे घर का लड़का, जो कि मतलब बता सकते हैं कि उनका परिवार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे, उनके दादाजी थे वो शिक्षा मंत्री भी रह, शिक्षा अधिकारी भी रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला शिक्षा अधिकारी। तो ऐसे परिवार का बच्चा ड्रग्स की लत में पड़ गया, एक गलत लड़कों की संगत में आके। वो किस वजह से पड़ गया कि आजकल माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, सभी अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं, घर में 3 लोग रहते हैं, संयुक्त परिवार हैं वो टूट गए हैं, घर में 3-4 लोग रहते हैं। संयुक्त परिवार में पहले ये होता था कि चाचा टोकने वाला मिलता था, दादा टोकने वाला मिलता था, ताई टोकने वाली मिलती थी, या फिर और कोई अड़ोसी पड़ोसी टोकने वाला मिलता था। आजकल संयुक्त परिवार ख़त्म होने से ही ये चीज़ें ज़्यादा फैल रही हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार रहता तो आदमी ऐसी चीज़ें करने की सोचता भी नहीं, और बिखरा हुआ परिवार है उसकी वजह से ही जो युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में, जुए की लत में, या और कोई भी व्यसन की लत है उसमें जा रही है। तो मेरा ये मानना है, तो विपश्यना एक ऐसी साधना है, इसके माध्यम से हम मतलब एक अपने परिवार को, सबसे पहले अपने परिवार में इस चीज़ को स्थापित कर सकते हैं, परिवार के लोगों को इसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं। अगर परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, परिवार में 4 लोग हैं जैसे हम, तो 4 लोग 12 को सुधारेंगे, 12 लोग 48 को सुधारेंगे। ऐसे करके अगर हम शुरुआत अगर करना चाहें तो परिवार से ही करनी होगी। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट बात, एक बार की घटना है, राजा भोज के टाइम की है, तो उनके दरबार में कालिदास कवि थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक श्लोक बोला कि भाई ये जो शराब है ये, इसकी वजह से इसकी आदत पड़ने से आदमी कैसे नष्ट हो जाता है। तो उसने उससे पूछा अपने कालिदास से, तो कालिदास ने कहा देखो जी इसका जवाब दूंगा, पर पूरे सोच के दूंगा और पूरा ऐसे ढंग से दूंगा जो आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो क्या हुआ कि राजा बोध की वो जो ऐसी सवारी निकलती थी, तो वो लोगों के दुख सुख की पूछा करते भाई कि सब तरह के, तो इस तरह उनकी सवारी निकलती थी। तो क्या हुआ कि एक तो वो उसने अपने जो ये राजा बोध वो थे कालिदास, उन्होंने साधु का भेष बनाया हुआ था, और वो भी वहाँ आके खड़े हो गए, दाढ़ी मूछ बड़ा कर ऐसा हो जैसे अपना भूल गया बिल्कुल। हाँ हाँ,
जब वो वहाँ से राजा भोज की सवारी निकल रही थी तो उसने कालिदास ने कहा अरे भाई महाराज हमें भी कुछ देते जाइए। तो उसने कमंडल ले रखा था, तो उसने जब वो कमंडल आगे कराया तो उसमें राजा भोज ने देखा कमंडल में मांस पड़ा हुआ था। अच्छा। तो उसने कहा अरे कमंडल में मांस पड़ा है, तू साधु होकर मांस खाते हो? बोला जी ऐसा है, मांस मैं जब खाता हूँ जब मैं शराब पीता हूँ। अच्छा। शराब के बगैर मांस खाने में कोई मतलब? अच्छा फिर तुम इसका मतलब दारू पीते हो? बोले हाँ जी। फिर बोलो दारू के लिए पैसे कहाँ से आते हो? बोले दारू का मज़ा भी जब होता है जब मैं वेश्याओं के पास जाता हूँ। अच्छा। जब मेरा मनसा पूरा होता है तो अरे वेश्याएँ तो बहुत धन की लोभी होती हैं, उसके लिए तुम धन कहाँ से लेते हो? तो उसने कहा इसके लिए धन के लिए या तो मैं जुआ खेलता हूँ। बोला अच्छा तुम जुआ भी खेलते हो? बोले हाँ उसके लिए मैं जुआ खेलता हूँ या फिर चोरी करता हूँ। अरे इतने दुर्दर्शन तेरे के अंदर? अरे तो फिर उसने कहा महाराज जिस आदमी में शराब की आदत पड़ जाती है वो सारे दुर्दर्शन कर सकता है, उसमें सारे ऐब आ जाते हैं, इन सब की जननी दारू है। इसलिए मैंने कहा था जो डूबे हैं गिलासों में उभरे ना जिंदगानी में, लाखों डूब कर मरे हैं बोतल के पानी में, तो शराबी और जुआरी का कोई धर्म नहीं होता, इन दोनों जैसा भी कोई बेशरम नहीं होता। और आज पोदीना आज पोदीना प्याज बेचे राजधानी में और मरे हैं डूब कर लाखों बंद बोतल के पानी में। आज का जो डिस्कस है नशा मुक्त भारत के लिए, सभी के विचार लिए, सभी ने अपनी सहमति दी। शुरू होती है बिल्कुल ये एक बोतल के जो डाटा आता है या आधा कप के हिसाब से शुरू में, तो इसको कौन सिखाता है? अपने मित्र जो है वो शुरू सिखाते, मित्र कहेगा लो आधा कप लो। एक क्वांटिटी बढ़ती बढ़ती कहेंगे हम तो ये दवाई के रूप में ले रहे हैं, ये दवाई का रूप लेते लेते और ये बहुत बड़ी बीमारी शुरू हो जाती है। धन्यवाद। तो सीकर्स कैसा रहा वीडियो? होपफुली आप भी अपने लाइफ में कोई चेंजेस लेके आएंगे या अपने नियर एंड डियर को गाइड करेंगे कि एक्चुअल में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। बुजुर्गों का मानना है तो बुज़ुर्ग आपको पता है कि वो गलत सलाह नहीं देते, तो बुज़ुर्गों का मानना है तो भाई इसको करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। और अपने जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर वीडियो को शेयर कर सकते हो आप, किसी न किसी को हेल्प ही मिलेगी इस वीडियो से, किसी का नुकसान नहीं होगा। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस तरह का कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों लाइक का बटन दबा देना ताकि मेरे को ये पता लगे कि आप इस तरह का कंटेंट लाइक कर रहे हैं। मैं और भी इस तरह के वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, तभी आपको पता लगता है कि कब नई वीडियो पोस्ट हो रही है। आइए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलते